दोस्तों, अगर आप रेलवे के जेई के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये मेरे द्वारा बनाया हुआ ये बुक है जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा। स्पेशली मैं CEN 03 2018 का जो जूनियर इंजीनियर और DMS और CMA के लिए जो वैकेंसी निकल के आया है उसी के लिए ये मैं बुक्स प्रिपेयर किया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से ये बुक डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। उसके साथ अगर CVT 2 के लिए तैयारी कर रहे हो, इसके लिए भी टेक्निकल पार्ट के लिए एक बुक तैयारी करके रखा हूँ, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप बुक चाह रहे हो तो ये भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि 2,30,000 वैकेंसी निकल के आने वाला है। ऑफिशियली रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल यहाँ पे ऑफिशियली दिया गया है, आप सुन सकते हो। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम। उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख, 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। अगले चरण में हमें जो ऑलरेडी वैकेंसीज है 1,31,000 के करीब, उसका प्रोसेस फाइल पे शुरू हो गया है और उसको भी हम फास्ट ट्रैक करेंगे। एक्शन हो रहा है रेलवे का, इसके लिए कभी आदमियों की कमी ना महसूस हो, इसके लिए रेलवे इसको प्रोएक्टिवली तुरंत शुरू करेंगे। सर, कॉल करने की बात कह रहे हैं सर, उसमें अगर एक चीज बस समझना चाह रहे हैं, क्या महीने भर में माने कि ये वैकेंसी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें अप्लाई कर पाएंगे 1,32,000 या 31,000? ये प्रोसेस अभी बहुत फास्ट ट्रैक करेंगे, इसके लिए थोड़ा टेंडर वगैरह खोल के जो एजेंसी है उसको भी हायर करना पड़ेगा, उसको अभी हम स्टडी करेंगे। आज ऑन फाइल निर्णय ले लिया है कि इसको भरा जाए, अब समय समय पे आपको जानकारी देंगे, पर बहुत तेज गति से इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें ये लोग जल्दी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में बहुत बड़ा एक प्रेस रिलीज हुआ है, प्रेस का कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज किया गया है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पे प्रेस रिलीज हुआ है। आपकी कब तक यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ सकता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है कि आपकी फेज 1, फेज 2, यहाँ पे 2,30,000 का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये कहाँ से ये नोटिस आ रहा है मैं आप लोग को बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगेगा वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे NDTV के तरफ से बहुत बड़ा एक अपडेट निकल के आ रहा है, ये आज की डेट में 5 फरवरी, दोस्तों यहाँ पे डेट भी देख सकते हो 5 फरवरी 2019 में यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है। RRB रिक्रूटमेंट 2019, रिक्रूटमेंट ऑफ 2,30,000 पोस्ट इन रेलवे, दिस इज ऑफिशियल नोटिस। ऑफिशियल नोटिस के जरिया में यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो क्या लिखा गया है वो आप देख सकते हो। पीयूष गोयल रिसेंटली मेड ए बिग अनाउंसमेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, तो ही हैड सेड दैट द रेलवे RRB विल टेक वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 2,30,000 पोस्ट इन 2019 एंड 20। दोस्तों, यहाँ पे 19-20 में आपको 2,30,000 का वैकेंसी निकल के आने वाला है, उसके रिगार्डिंग इसी न्यूज़ में एक प्रेस रिलीज किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नोटिस पब्लिश हुआ है, जो आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को बताया गया कि आपकी कब तक यहाँ पे फाइनल नोटिफिकेशन आ सकता है और कौन सा पोस्ट में आ सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपकी 10% रिजर्वेशन भी स्पेशली लिखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हो प्रेस ब्रीफ, द रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द वेरियस कैडर्स ऑफ इंडियन रेलवे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फास्ट मेजर रिक्रूटमेंट विथ द बेनिफिट ऑफ 10% रिजर्वेशन ऑफ EWS आफ्टर द 103rd, मतलब 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिसेंटली पास बाय पार्लियामेंट, जिसमें जो नया कानून पारित किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% का आरक्षण रखा गया है, उसका लाभ
अब रेलवे पहली संस्था होगी केंद्र सरकार की जो उसका लाभ आने वाले दिनों में ये नौकरियां भर के दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी 10% रिजर्वेशन होने वाला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए, जो आप लोगों को 7 लाख की नीचे जहाँ जिसका एनुअल इनकम है उन लोगों ने 10% रिजर्वेशन लेने वाला है। तो उसके बाद ये जो अनाउंसमेंट किया गया 103 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऑफिशियली रिलीज हुआ है, ये एक पॉइंट है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ड्राइव विल रिजल्ट इन मासिव एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन विथ 2,30,000 डायरेक्ट जॉब। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 2,30,000 का वैकेंसी अभी आने वाला है। तो कब तक आएगा यहाँ पे वो भी बताया गया है। रिक्रूटमेंट शैल बी कंडक्टेड इन 2 फेज, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 2,30,000 का वो 2 फेज में होने वाला है। ड्यूली ऑब्जर्विंग द लीड डाउन क्रिटिकल ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 फेज में होने वाला है, यहाँ पे फेज 1 लिखा गया है और फेज 2 लिखा गया है। जो फेज 1 का रिक्रूटमेंट होगा टोटल 1,31,000 का वैकेंसी निकल के आने वाला है, पर ये फेज 1 2019 में आपकी होने वाला है दोस्तों। तो पर ये जो फेज 2 है वो 2020 के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों 2019 में फेब्रुआरी स्टार्टिंग, दोस्तों देख सकते हो स्टार्टिंग फेब्रुआरी मार्च 2019 एंड कंप्लीट बाय अप्रैल में 2020, जो फेज 1 का स्टार्टिंग होने वाला है यहाँ पे फेब्रुआरी और मार्च के अंदर आपकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने वाला है 1,31,000 में। पर ये जो 1,31,000 का वैकेंसी निकल के आएगा ये कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑफिशियली लिखा नहीं गया है, पर उम्मीद हो सकता है कि यहाँ पे NTPC का वैकेंसी निकल के आने वाला है, गुड्स गार्ड का आने वाला है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का आने वाला है, TTE टिकट कलेक्टर या क्लर्क ऐसे तरीके में नॉन टेक्निकल पोस्ट आने वाला है जिसका क्वालिफिकेशन 12th और ग्रेजुएशन, उन लोगों के लिए ये सारे वैकेंसी आने वाला है। उम्मीद किया जा रहा है कि 1,31,000 जो वैकेंसी निकल के आएगा वो बिल्कुल ग्रेजुएशन और 12th वालों के लिए। तो फेज 2 में जो वैकेंसी निकल के आएगा वो मई जून में 2020 तक आपकी यहाँ पे लिखा गया है, 2020 तक यहाँ पे लिखा गया है। तब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा फेज 2 के लिए, पर फेज 1 फाइनली 2019 में आ सकता है। तो थोड़ा दोस्तों आप लोग जो जिस हिसाब में तैयारी कर रहे हो या आपके पास 12th या ग्रेजुएशन है तो आप जोरदार तैयारी में लग जाइए। एडवर्टाइजमेंट तो इस महीना लास्ट में या आपकी मार्च की फास्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे इलेक्शन भी आ रहा है, ये कन्वेंस करने के लिए हो सकता है रिक्रूटमेंट निकल सकता है। आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए, फरवरी मार्च तक यहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, तब आप लोग को मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारे बता दूंगा दोस्तों। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। तो दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।